अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू फरासन आइलैंड, जिसका मैं बहुत दिनों से वेट कर रही थी कि मैं जिजान आऊँगी, फरासन जाऊँगी। आज फाइनली वो दिन आ गया है। आई एम सो हैप्पी। मैं आज आपको फरासन आइलैंड दिखाऊँगी। बहुत अच्छा बीच है, बहुत क्लीन क्लीन वाटर है, बहुत हम इंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे। आप ये पूरी मेरी जर्नी देखना, कितनी ऑसम जर्नी रहेगी। मैं आपको पूरी डिटेल, सही सही डिटेल, सही सही इन्फॉर्मेशन दूंगी कि आपको अगर फरासन आइलैंड आना है तो आप किस तरह से टिकट बुक करेंगे, वो ऑफिस कहाँ पे है। और टिकट इन द सेंस जस्ट रजिस्ट्रेशन होता है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये वीडियो मेरा पूरा एंड तक देखना, बहुत मज़े की वीडियो बनने वाली है आज। तो मेरे साथ बने रहिए और वीडियो एंड तक देखिए। मेरा चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें अभी अभी। तो चलो सीधे चलते हैं हम आइलैंड। ये देखिए, हमें जाना है जिजान से फरासन आइलैंड। जैसा कि मैं कह रही हूँ, ये है वो ऑफिस जहाँ पे हमें रजिस्टर करना है, हमारी आइडेंटिटी वगैरह सारा कुछ। और यहाँ पे ये फ्री रजिस्ट्रेशन है जैसा मैं बता रही थी। तो ये बिल्कुल पोर्ट के सामने है, ये ऑफिस बिल्कुल सामने। और ये है सऊदी पोर्ट अथॉरिटी। यहाँ पे बहुत सिक्योरिटी है तो मैं थोड़ा ही शूट कर पाई हूँ। और ये है वो शिप जिसमें हम आज ट्रैवल करने वाले हैं, इसी शिप में हम जाएंगे। ये देखिए, हम अब जा रहे हैं बोट की तरफ, शिप की तरफ। यहाँ पे ना इतनी सिक्योरिटी है, मैं बहुत चोरी चोरी से मैं ये शूट कर पा रही हूँ। और ये जो बीच में आप इतना ब्रॉड जो देख रहे हैं रास्ता, यहाँ से अंदर नीचे जो है कार पार्किंग के लिए, मतलब आप कार भी अपनी साथ में लेकर जा सकते हैं, जैसे फेरी बोट में लेकर जाते हैं वैसे। और साइड से ऊपर बाजू जो है सीटिंग अरेंजमेंट होता है। अब मैं अंदर आपको शिप के दिखाऊँगी कैसा होता है। तो आप अगर कार भी रजिस्टर करवा के ले जा सकते हैं, इतना ही क्या मतलब प्रायर करना पड़ेगा। इमीडिएटली आप रजिस्टर करवाएंगे तो आपको कार ले जाने की परमिशन नहीं मिलेगी। तो यहाँ से सीधे ऊपर जाएंगे, दो तरफ से एंट्रेंस है, ऊपर जाएंगे। ये देखिए शिप का ये इनसाइड व्यू है, आपको बिल्कुल फ्लाइट वाली फीलिंग आएगी। वैसे ही सिटिंग अरेंजमेंट और वैसा ही सब सेटअप वगैरह है, बहुत अच्छा। ये देखिए अल्ताफ बैठे हैं यहाँ पर, बहुत क्लीन क्लीन है। यहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं है, आप शूट नहीं कर पाते। यहाँ पे बहुत सारे सिक्योरिटी के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये यमन का बॉर्डर है ना जिजान, तो इसके लिए बहुत सिक्योरिटी है। और ये है छोटी सी पैंट्री रिफ़्रेशमेंट के लिए, यहाँ पे चाय कॉफ़ी वगैरह ले सकते हैं आप, बिस्किट्स वगैरह, लेकिन ब्रेकफास्ट ऐसे नहीं मिलता है। तो हम लोग यहाँ पर ब्रेकफास्ट हम लेकर आए थे, सैंडविचेस वगैरह, लेकिन चाय यहाँ पर हम ले रहे थे। अच्छी चाय मिलती है, जैसे मिलती है वैसे ही अच्छी, इन द सेंस रेगुलर वाली, लेकिन आप ले सकते हैं क्योंकि ये टोटल जर्नी रहेगी 1.5 आवर की, तो चाय कॉफ़ी के उतना ही चल जाएगा। तो आप यहाँ पे ख़रीद सकते हैं, यहाँ पे अच्छा अरेंजमेंट है बहुत, बल्कि मुझे बहुत अच्छा भी लगा ट्रैवल करते समय। ये देखिए यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे, हम जा रहे थे तो उतना क्राउड नहीं था। बहुत अच्छा फीलिंग आता है, आप कॉफ़ी और चाय एंजॉय कर रहे हैं, साथ में सी व्यू दिख रहा है आपको। अभी हमारी बोट शिप डिपार्ट नहीं हुई थी, तो ये देखिए बहुत ही बेहतरीन अरेंजमेंट, बहुत अच्छा व्यू है, आप ज़रूर इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं। Baby, oh, my baby, oh.
पहुंच गए, अब हम एग्जिट करेंगे शिप से, क्योंकि यहाँ पे ममनू है, यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो मैं ज़्यादा कुछ अंदर से नहीं दिखा पा रही हूँ, फिर भी जितना लिया आप उतना तो देख ही चुके हैं ना, इतना भी अलाउड नहीं है एक्चुअली। अभी देखिए यहाँ पे, अब देखिए वो आ रहा है लेकर, नहीं नहीं हमारी शिप जा रही है, सॉरी वो नहीं आ रहा है, हम लोग जा रहे हैं उसके करीब। सो फनी बट इट लुक्स इंटरेस्टिंग। वहां पे देखिए, देखिए शेल्फ पर्ल की तरह कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए, ये शेल्फ खुल के अंदर से एक पर्ल है वैसा कुछ शेप बनाया है, मोती, मोती यानी पर्ल यानी मोती, ये तो पता ही होता है सबको। कितना अच्छा लग रहा है ना, अगर फैमिली आती है तो यहाँ पे फैमिली पिक्चर। ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा एक ये बनाया स्ट्रक्चर शार्क की तरह, ये बेबी शार्क लग रही है, माशाल्लाह लिखा हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये पिक्चर ऐसे ही अलग 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 सेक्शन में बनाया हुआ है। हम लोग यहाँ से जाके वहां से निकल भी सकते हैं, मैं आपको वहां पे मिलूंगी। लाइफ जैकेट, ये लाइफ जैकेट जरूरी है पहनना, ये अल्ताफ के लिए है क्योंकि यहाँ का एक निजाम है, यहाँ पे एक रूल है, ये पहनना ही पड़ता है। कैसा लग रहा है, हम लोग झूलते हुए बोट राइड पे जाएंगे। देखिए मैं आपको जद्दा के ब्लॉक में जो रेड सी पे हम गए थे, रेड सी मरीना, वहाँ पे बता नहीं पाई थी, वहाँ पे बात नहीं कर पाई थी, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी दिखाऊंगी अगर है तो। मैं भी पहली बार जा रही हूँ यहाँ पे फरासा।
देखिए यहाँ पे रहते हैं ये लोग, समंदर में फिशिंग के लिए जो जाते हैं वो। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, बड़ी सी एक शिप जा रही थी, एक फेरी बोट है वो भी। हम लोग हमारे प्राइवेट बोट थे उसके नजदीक, हम लोग ज्यादा नजदीक नहीं जा सकते क्योंकि वो सिक्योरिटी का यहाँ पे कुछ इश्यू है तो हम लोग नहीं जा सकते। एक वहाँ पे भी है लेकिन ये बहुत नजदीक वाली है शिप। इट्स ऑसम व्यू, ऑसम। आप फरासन आ रहे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आदमी का, आपको एक बोट सर्विस का मैं आपको एक नंबर दे दूंगी, उसको कांटेक्ट कर लेना, वो बहुत अच्छे से घुमाएगा आपको जैसे हमें घुमा।